बिहार में थाटीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जनजीवन कब्रिस्तान के पास रहने वाले फिरोज अली ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से फिरोज अली ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि हमारी दोनों बेटी जिनका नाम खुशी और खुशबू है 25 अक्टूबर को उज्जैन में लाठी खेल प्रतियोगिता में सिल्वर और गोल्ड मेडल जीतकर ग्वालियर अपने घर वापस लौट रही थी, जिसकी जीत का जश्न हम सभी लोग परिवार जन मना रहे थे। तभी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति और उसके अन्य साथी ने मिलकर उन पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसके बाद पीड़ित ने थाटीपुर थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, पर थाना प्रभारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुरार CSP को जांच हेतु प्रेषित किया है। एक तरफ सरकार खेलों के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित करवा रही है और खेलों को बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, लड़कियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं संचालित करवा रहे हैं। उज्जैन से मेडल जीतकर आई खुशी और खुशबू ने बताया कि मेरी उम्र करीब 12 वर्ष है, मुझे बचपन से ही खेलने का शौक रहा है, इसलिए पिछले 6 माह से मैं लाठी डंडा खेल का प्रशिक्षण ले रही थी और 22 तारीख को उज्जैन में हुई प्रतियोगिता में भाग लेकर 25 तारीख को मेडल और पुरस्कार जीतकर ग्वालियर आई थी। मेरी जीत का जश्न मेरा परिवार जश्न और दोस्त मना रहे थे और तभी अचानक से मोहल्ले के कुछ लोगों के द्वारा लड़ाई झगड़ा करने लगे और जीत का जश्न का विरोध करने लगे, जिसके बाद हम अपने परिवारजनों के साथ थाटीपुर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस द्वारा 3 दिन बाद तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद मजबूरी में बेबस होकर पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है। क्या नाम आपका? क्या घटना घटी आपके साथ में? क्या घटना घटी थी? हम लोग है ना उज्जैन गए थे लाठीबाजी में प्रतियोगिता की चैंपियनशिप, उसमें गए थे हम भाग लेने, इसीलिए मैंने गोल्ड जीता था। तो है ना हमारे जो नाना जी थे ना और मामू, उनको खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने बीच रोड पर डीजे रोक, मेरा स्वागत हो रहा था, उन्होंने बीच रोड पर डीजे रोक कर डीजे वाले को मारा और हमारे सभी लोगों को घायल किया, मेरे परिवारों को, परिवार वालों को घायल कर दिया और है ना अभी भी धमकी दे रहे हैं मारने की कि आज तो छोड़ दिया, 2 दिन बाद तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। और है ना ये बोल रहे थे कि है ना अभी मेरे बम्बई भी जा रही थी, मैं सिलेक्ट कर दिया, तो है ना ये बोल रहे हैं, तो कहते हैं अब आप लोगों की सहायता नहीं मिलेगी तो मुझ कैसे आगे बढ़ूँगी, और मेरे हाथ में जो झंडा था उसे भी उन्होंने फाड़ दिया, कुचल के फेंक दिया, झंडा देश का झंडा था और फेंक दिया फाड़ फूट के, और है ना अब आप लोगों की सहायता ही नहीं मिलेगी तो मैं कैसे आगे। कितने सालों से खेल रहे हो आप? मैं 3 साल से। 3 साल से खेल रहे हो? अभी जो आप उज्जैन गए थे खेल प्रतियोगिता में, क्या जीता आपने वहाँ पर? गोल्ड मेडल जीता, और जो ट्रॉफी जीती थी उसको इन्होंने तोड़ डाल के फेंक दी है, और है ना सर्टिफिकेट मेरा फाड़ने की कोशिश करी थी तो इन्होंने मेरे को लात घूंसों से मारा था, मैंने नहीं दिया तो है ना वो तो मोहल्ले वालों ने ले लिया तो, और वो घर पे दे आए थे ये गोल्ड इसको। अभी आप पुलिस के पास आए हो? हाँ अभी हम पुलिस के पास भी आए हैं, थाटीपुर थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी इसीलिए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।